मैं हूं आपका दोस्त डॉक्टर राजीव गुप्ता। आई एम कंसल्टेंट साइकियाट्रिस्ट इन लुधियाना। दोस्तों, जिंदगी बहुत रफ्तार से गुजर रही है, रफ्तार थोड़ी तेजी के साथ है, डे बाई डे बढ़ती जा रही है। जो टेक्नोलॉजी पिछले 15-20 सालों में डेवलप हुई है, चाहे टेक्नोलॉजी टेलीकम्युनिकेशन के अंदर है, चाहे टेक्नोलॉजी किसी और क्षेत्र के अंदर है, जो स्पीड है इसकी, जो गति इस टेक्नोलॉजी की है, इतनी फास्ट है कि उसको कोप करना लार्ज चंक का पॉपुलेशन के लिए बहुत डिफिकल्ट होता जा रहा है। फ्रेंड्स, एंड ऑफ द डे आप चाहे बिलियनर हैं, चाहे रिक्शा चलाते हैं, व्हाट यू वांट इज ए पीस ऑफ माइंड, व्हाट यू वांट इज ए गुड स्लीप, व्हाट यू वांट इज ए सेटिस्फेक्शन, व्हाट यू वांट इज ए हैप्पीनेस। आप चाहते हैं जो मैं कर रहा हूं, जो कार्यक्रम मैं कर रहा हूं, जो काम मैं कर रहा हूं, दिन के अंत में, दिन के खत्म होने में जब मैं अपने बेड पे जाऊंगा, मेरा मन शांत होना चाहिए, मेरा मन खुश होना चाहिए, मुझे अच्छी नींद आनी चाहिए। बिकॉज इट्स अ पीस ऑफ द माइंड, इट इज अ प्ले ऑफ द माइंड विच इज अल्टीमेट एम ऑफ ऑल ह्यूमंस ऑन दिस प्लैनेट। दोस्तों, आपने बुलेट ट्रेन के बारे में सुना होगा। हिंदुस्तान के अंदर भी चंद सालों के अंदर बुलेट ट्रेन चलने जा रही हैं। चाइना इज वन कंट्री विच इज द लार्जेस्ट नंबर ऑफ बुलेट ट्रेन इन द वर्ल्ड टूडे। जब बुलेट ट्रेन चलती है, एक तो ट्रेन डिफरेंट टाइप की होती है, इज नॉट ए ऑर्डिनरी ट्रेन। सेकेंड, जो ट्रैक है उसका, बुलेट ट्रेन का, दैट इज ऑल्सो डिफरेंट। सो ट्रेन और ट्रैक जो दो चीजें हैं, आपस में इनकी कन्फर्मिटी होनी चाहिए, ये मैच होना चाहिए। आज जो रेलवे ट्रैक्स हैं हिंदुस्तान के अंदर, इस पे आप बुलेट ट्रेन नहीं चला सकते, और ट्रेन 2 किलोमीटर में जाके गिर जाएगी, एक्सीडेंट हो जाएगा। सो इफ यू वांट टू हैव बुलेट ट्रेन्स, यू मस्ट हैव ए हाई क्वालिटी ट्रैक्स विच आर सुटेबल, एंड यू मस्ट हैव द ट्रेन्स विच हैव ए टेक्नोलॉजी ऑफ ए बुलेट ट्रेन। लेकिन हमारे दिमाग के अंदर रोज बुलेट ट्रेन चलती हैं, उनकी स्पीड बढ़ती जा रही है, बिकॉज जो टेक्नोलॉजी हमारे आगे पीछे है, हम उसके पार्ट बनते जा रहे हैं। चाहे व्हाट्सएप है, फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, टेलीविजन है, मोबाइल फोन्स हैं, व्हाटएवर टेक्नोलॉजी वी हैव, हम उसके पार्ट बनते जा रहे हैं, वो हमारी जिंदगी का पार्ट बनती जा रही है। लेकिन क्या हमारा जो ब्रेन का हार्डवेयर है, क्या वो चेंज हो रहा है? क्या वो फास्ट चेंज हो रहा है? क्या वो भी टेक्नोलॉजी उसकी डेवलप हो रही है? प्रॉब्लम हमें क्या आ रही है कि हमारे जो ब्रेन की टेक्नोलॉजी है, जो ब्रेन का हार्डवेयर है, वो तो फॉर लैक्स ऑफ द ईयर से सेम है। फॉर लैक्स ऑफ द ईयर्स द ह्यूमंस वर नॉट यूज्ड टू दिस काइंड ऑफ ए लाइफ, द डेवलपमेंट वॉज वेरी वेरी ग्रेजुअल। और दिमाग के लिए, दिमाग के सेल्स के लिए उस चेंज को कोप करना आसान था। लेकिन अब ये चेंज जो है बड़ी ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन से बढ़ रही है, बड़ी हाई स्पीड से बढ़ रही है। उसमें आप देखेंगे there are millions of people who cannot cope up, who feel depressed, who feel low, who feel slow, and they feel end of the day rejected, कि मैं नहीं कर पा रहा, मैं सीखने की कोशिश करता हूँ, मेरे से नहीं होता, मेरी कैपेसिटी नहीं है, मैं चेंज में एडजस्ट नहीं हो पाता। सो लॉट ऑफ पीपल फॉर मिसफिटिंग themselves इन द फास्ट मूविंग सोसाइटी। सो क्वेश्चन इज फ्रेंड्स, डू यू हैव ए प्लेस फॉर देम? क्या उन लोगों के लिए हमारे समाज के अंदर कोई जगह है? आज अमेजॉन मिलियंस ऑफ जॉब फिनिश करता जा रहा है, ऐसे ही ऐसे वेब चैनल्स हैं जो कि बाइंग चैनल्स हैं, स्मॉल प्लेयर्स को खत्म करते जा रहे हैं। सो उन छोटे लोगों के लिए, स्मॉल प्लेयर्स के लिए, उन शॉपकीपर्स के लिए, रिटेलर के लिए, क्या हमारे पास कोई जगह है कि नहीं है? क्या सोसाइटी में चंद लोग ही मल्टी मिलियनर्स बनते जाएंगे, बिलियनर्स बनते जाएंगे? आम सोसाइटी के इंसान के लिए क्या होगा? क्या वो इस यात्रा का भागीदार होगा कि नहीं? क्या वो इस प्रोग्रेस का भागीदार होगा कि नहीं? तो दोस्तों, देयर इज अ मिलियन डॉलर क्वेश्चन। वी हैव टू आस्क एवरी सेल्फ, वी हैव टू आस्क आवर सेल्फ एंड अदर्स। सो थैंक यू वेरी मच। नमस्कार, गुड नाइट।